हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। श्री श्याम स्कूल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आरंभ हिंदी पाठमाला अध्याय 4 का अगला भाग करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने क्या देखा था? फुटबॉल का एक मैच चल रहा था, उसमें जो 10-10 खिलाड़ी होते हैं फुटबॉल की मैच में, और दोनों जो हैं एक दूसरे के विरुद्ध खेलते हैं। दोनों टीमों की जो है जो ड्रेस होती है, ड्रेस कोड भी अलग होता है। इसमें एक गोल्ड कीपर होता है जो निर्णय लेता है कि किसका गोल हुआ है, किसका नहीं हुआ, और रेफरी जो है फाउल की सजा सुनाता है। आगे हम पढ़ेंगे। फुटबॉल का भी अपना एक इतिहास है। कहा जाता है कि बहुत पहले एक बार डेनमार्क ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। क्या कहा जाता है? बहुत पहले डेनमार्क ने इंग्लैंड पर हमला कर दिया था। अंग्रेजों ने आक्रमणकारियों का डटकर मुकाबला किया। अंग्रेजों ने जिन्होंने हमला किया था उनका जो है डटकर मुकाबला किया। युद्ध में अंग्रेजों की जीत हुई। जीत की खुशी में वे युद्ध भूमि में पड़े रुंड मुंडों को ठोकर मारकर खेलने लगे। मतलब जब वो आक्रमण जो उन पर हमला हुआ था उसमें जीत गए। जीतने के बाद उन्होंने युद्ध भूमि में पड़े रुंड मुंडो क्या होता है, जो लाश पड़ी थी वहाँ पर, जो लोग मरे थे उनको जो ठोकर मारकर खेलने लगे। क्या कराऊंगा, लाशों को ठोकर मारकर खेलने लगे। और इस खेल में उन्हें बड़ा मज़ा आया। जो वो ठोकर मारकर लाशों को खेल रहे थे उस खेल में उनको बहुत ही मज़ा आया। उस दिन की स्मृति में इंग्लैंड में यह खेल खेला जाने लगा। उसी दिन से याद में इंग्लैंड में यह खेल खेला जाने लगा। पहले खेल में चमड़े की गेंद का प्रयोग होता था, उसमें बाल और रुई जैसी चीज़ें भरी होती थी। चमड़े की गेंद होती है ना, उसके अंदर क्या भर देते थे? बाल और रुई भर देते थे। बाद में रबड़ का आविष्कार हुआ, पर ब्लेडर में हवा भरी जाने लगी। बाद में क्या हुआ, रबड़ की खोज हो गई और जो ब्लेडर था उसमें हवा भरी जाने लगी। फुटबॉल का खेल आजकल सारी दुनिया में बड़ी रुचि के साथ खेला जाता है। आनंद के साथ खेला जाता है। नैतिक जीवन का मूल्य, खेल हमेशा खेल की भावना से खेलना चाहिए। ये नहीं कि हमें एक दूसरे को मारना चाहिए, धक्का दे देना चाहिए। खेल हमेशा खेल की भावना से ही खेलना चाहिए। अब इस लेसन को आप सब ध्यानपूर्वक पढ़िए अच्छी तरह से। ओके, थैंक यू।